हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोर। दोस्तों, आ गए हम आप लोग के लिए एक और अमेजिंग वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट लेके। यहां पे हमारा जो पार्ट मल्टी वेबसाइट प्रोजेक्ट चल रहा था दोस्तों, इसका हम लोगों ने कहां तक डिजाइन कर लिया था देख लीजिए। हमारा काम जो है यहां तक हो गया था, यानी कि हम लोगों ने टीम सेक्शन को बना लिया था, टीम सेक्शन को बनाया था और प्राइजिंग सेक्शन इसको भी बना लिया था दोस्तों। यहां तक हम लोगों ने काम कर लिया था। अब हमें काम करना है FAQ पे, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यानी कि इस पे काम करना दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कहाँ पे जाएगा दोस्तों, ये देखिए मल्टी वेबसाइट प्रोजेक्ट नाम का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, यहीं पे ये वीडियो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप जाके देखना है दोस्तों। आप लोग प्लेलिस्ट से जब वीडियो एक्सेस करके देखेंगे ना, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि HTML और प्रोजेक्ट वन कौन सा है, यानी कि CSS और HTML से जो प्रोजेक्ट वन बनवाया गया वो देखिए, उसके बाद ही आप ये सब प्रोजेक्ट वगैरह बनाए। ठीक है, पहले आप HTML और CSS का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे का काम करिए। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप हमें ईमेल करिए, मैं खुद आपको कांटेक्ट करूंगा और गूगल मीट अरेंज करके मैं खुद आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो आप हमें ईमेल जरूर करें अगर आपको कोई आइडिया नहीं कि कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड में और इसको भी अचीव कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो ये काम है इसको भी अचीव कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये बनाना बड़ा आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हमारा काम यहाँ तक हो गया था, हमने वो भी प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें काम हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट करता हूँ तो रिस्पॉन्सिव में थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी कि यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव में ये थोड़ा हमारा गड़बड़ हो रहा है, यानी कि जो हमारा प्राइजिंग सेक्शन है देखिए रिस्पॉन्सिव में ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आना है बस, आपको index.css को ओपन कर लेना है और देखिए जहाँ पे इसकी वृद्धि हुई है, देखिए इसमें वृद्धि हुई 31%। इस वाले इसको पूरा कॉपी करना है, कंट्रोल सी करके प्राइजिंग सेक्शन प्राइजिंग बॉक्स इसको कॉपी कर लेना है और रिस्पॉन्सिव का कोडिंग देखिए नीचे ही है ना, यहाँ पे कंट्रोल भी करना है और इसका भी 100% कर देना है। क्या करना है आपको, 100% बस इतना ही काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है। देखिए रिलोड करूंगा तो ये हमारा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए उसके बाद क्या दिक्कत आई इसमें, इसमें ये जो बटन है ना ये सेंटर में है, ठीक है सेंटर में है। अगर सेंटर में नहीं होगा तो बटन में जो मार्जिन लेफ्ट लगा हुआ है, ये देखिए मार्जिन लेफ्ट जो लगा हुआ बटन में 100 पिक्सल, ये देखिए ये लगा हुआ बटन यही है आपका। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके अगर आप लोगों में सेंटर में नहीं होगा तो, और नीचे ही इसके पेस्ट करेंगे और इस मार्जिन लेफ्ट को कम कर देंगे, ठीक है डिवाइस के हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे में सब कुछ सही है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आ जाना है। देखिए मैं रिलोड करूंगा तो ये देखिए इसमें आपको क्या देना है, MB-4 या 3, यानी कि ताकि मार्जिन बॉटम 3-4 हो जाए। यहाँ पे आ जाइए index.html और इस तरीके से मिनिमाइज कर लीजिए तीनों कॉलम को, कॉलम भी 4 जितना भी है उसको मिनिमाइज करिए और यहाँ पे MB-4 लगा दी, MB-4 बस इतना काम करना दोस्तों इसमें, जो कि मैंने छूट गया था पिछली बार मैंने बताया नहीं। तो देखिए इसमें इसमें गैप आ जाएगा, ये देखिए सभी में गैप आ गया। ठीक है, तो MB-4 अगर आप लगा देंगे तो गैप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कट कर देना इसको, आगे का काम करना यानी कि हमें इस पे काम करना है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और इसको बना लेते हैं। तो नीचे सबसे पहले तो इस सेक्शन को बंद कर देंगे, इस तरह से मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पे आ जाइए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट मैं लिख देता हूँ FAQ सेक्शन कोडिंग, है ना। इस तरीके से मैं कमेंट पास कर देता हूँ दोस्तों, आप लोग को कमेंट जरूर पास करना है। यहाँ पे एंड कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे जाऊंगा और एंड लिख देता हूँ मैं, एंड FAQ सेक्शन कोडिंग, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कमेंट जरूर पास किया, आप लोग भी कमेंट पास करिए और यहाँ पे जाऊंगा एंटर करके एक सेक्शन ले लूंगा। कैसे लूंगा, सेक्शन लिखूंगा सबसे पहले और डॉट लगा के FAQ-section इसका मैं नाम दे देता हूँ, यानी कि एक क्लास लग जाएगा इसमें। ये देखिए लग गया, सबसे पहले कंटेनर लेंगे तो यहाँ पे मैंने कंटेनर ले लिया इस तरीके से। उसके बाद S6 लूंगा मैं, एंड S6 लूंगा यहाँ पे और क्या करूंगा इसमें FAQ लिख दूंगा, F.A.Q इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद H1 ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से और इसमें कंट्रोल भी कर देंगे जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे आके रिलोड करूंगा अभी ये देखिए, तो ये इसके नीचे बनेगा यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से बना। ठीक है, मैं इस सेक्शन में MB-3 इस तरीके से लगा देता हूँ, MB-3 एंड MB, अगर आपको देखिए MB-3 लगाएंगे यहाँ पे रिलोड करूंगा ये मार्जिन बॉटम लेगा, यानी कि 5 लगाना आपको, 3 नहीं तो ज्यादा लेगा ये, 5 लगाइए इस तरीके से। यहाँ पे आके रिलोड करूँ तो देखिए मार्जिन बॉटम से थोड़ा सा ये जगह ले लेगा। अगर आप चाहते हैं पूरा पूरा और नीचे आ जाए, क्या करेंगे यहाँ पे जो सेक्शन है ना ऊपर वाले सेक्शन के, इसमें BR दो तीन बार लगा देंगे तो ये जो थोड़ा नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा काउंटर, ये देखिए इस तरीके से लिखा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके आगे अंडरलाइन बनाने, जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ तो यहीं का अंडरलाइन हम लोग कॉपी करेंगे। सबसे पहले देखिए index.css में आ जाइए और यहाँ पे देखिए ऊपर में बना हुआ है, बहुत सारी बार हम लोग ने बनाया, मैंने आपको बहुत बार बताया कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं आई थी, अगर आपको नहीं समझ में आया तब आप हमें कॉमेंट करेंगे। ठीक है,
ये देखिए स्टार्ट हो रहा है रिस्पॉन्सिव कोडिंग। इसी के जस्ट ऊपर आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है FAQ सेक्शन कोडिंग, FAQ सेक्शन कोडिंग, ये इस तरीके से डिफाइन करिए और यहाँ पे एंड करिए इसको। एंड करना है आपको एंड FAQ सेक्शन कोडिंग, इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए कॉमेंट, ताकि आप लोग को फ्यूचर में दिक्कत ना हो कॉमेंट को ढूंढने में। इस तरीके से मैंने कॉमेंट को डिफाइन कर दिया एंड यहाँ पे इंटर कर दूंगा। सबसे बीच में आएंगे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे और इंटर कर लेंगे एक बार, कंट्रोल भी करेंगे। यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, FAQ, बस और कुछ नहीं करना, बस इतना सेलेक्ट करना है और आगे का काम हमारा ये होती है, S6 सेलेक्ट हो जाएगा आफ्टर। ये देखिए यहाँ पे S6 में हम लोगों ने वो चीज लिया है, तो इसलिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ। और इसका क्लास मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला क्लास, ये देखिए कॉपी कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे FAQ वही चीज लिखना है आपको, चाहे आप लिख दीजिए चाहे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, बस इतना। ठीक है, देखिए यहाँ पे आके रिलोड करूंगा तो देखिए दोस्तों इसकी आगे जस्ट एक अंडरलाइन बन जाएगी, ये देखिए बन गया। अब आपको इसको कलर और इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना है दोस्तों, ये आपको टास्क के रूप में दिया जाता है। मैं आगे काम बता देता हूँ ये कैसे बनेगा। ये जो हमारा आता है ये बड़ा ही आसान है दोस्तों, इसको बनाना है। यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले, देखिए यहाँ पे आना है आपको, है ना, ये जो H1 है इसके जस्ट नीचे आपको डॉट एक रो ले लेना है इस तरीके से, एंड रो में आपको क्या लगा देना है, MT-5 अभी लगा दीजिए। उसके बाद इसमें डॉट कॉल MD-2 इस तरीके से दो कॉलम लीजिए, यानी कि सॉरी कॉल MD-6 × 2 करेंगे, यानी कि 6-6 का हमें दो कॉलम चाहिए। इंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा। अब हमें सबसे पहले वाले कॉलम में क्या करना है, सबसे पहले वाले कॉलम में आपको H4 लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे वो कंटेंट डिफाइन करना है जो कि यहाँ पे। तो मैं यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ कोई भी एक कॉन्टेंट, आप लोग भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, या तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल भी करूंगा। उसके आगे हमें यहाँ पे आइकन लगाना है, तो क्या करेंगे, आई टैग लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्लास देंगे, यहाँ पे क्लास फा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन वाला आइकन आ जाएगा। ये देखिए रिलोड करूंगा तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। ठीक है, अगर आपको इसको और छोटा करना है तो यहाँ पे H5 का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे H5 का यूज कर लेता हूँ ताकि ये और छोटा हो जाए। आप चाहें तो इसका स्टाइलिंग से भी छोटा बड़ा मोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से दिखा। हमें इसके आगे ये टेक्स्ट भी दिखाना है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल से करके, और ये देखिए दूसरे वाले कॉलम में आना, ध्यान से दूसरे वाले कॉलम में आपको पी ले लेना है, बस इस तरीके से एंटर कर देना और इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है टेक्स्ट को। मैं एंटर कर देता हूँ ताकि सभी लोग को सब कुछ दिख जाए आसानी से। ये देखिए यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा दोस्तों, तो देखिए इसी के जस्ट आगे एक बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना। अब आपको इसका फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करना है और बड़ा करना है इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको HR भी लगाना है नीचे। ठीक है, तो इस रो को इस तरीके से मिनिमाइज करिए, जो रो है ना इसको मिनिमाइज कर लीजिए और यहाँ पे HR का यूज करिए। HR का यूज करने से क्या होगा, देखिए इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा दोस्तों। इतना ही काम यहाँ पे करना था हमें। अब आगे का आपको मैं बता दूं आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करना, और इसका देखिए क्वेश्चन मार्क वाला ये वाला आइकन है, तो आपको इस तरीके का आइकन ढूंढ के लगाना है, और कलर भी इसका चेंज करना है। ठीक है, इसका फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करना। अब इसको कितनी बार कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमें 5 बार इसको कॉपी पेस्ट करना। तो इसी रो को कॉपी करेंगे, ये देखिए HR तक, यानी कि रो को पूरा HR तक कॉपी कर लिए कंट्रोल सी करके, एंड 2 हो गया ये। मैं इस तरीके से कंट्रोल भी करता हूँ 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, एंड एक बार और करूँगा पेस्ट, यानी कि 5 टाइम मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो ये देखिए वहीं पे हमारा भी कुछ उसी तरीके से बन जाएगा। ये देखिए आपको ये कंटेंट चेंज कर देना है और ये कंटेंट भी चेंज करना है, अपने हिसाब से आप अपना कंटेंट रखेंगे दोस्तों। फिलहाल आप डमी टेक्स्ट ही लगाइए, लॉरेन एप्सम का जो है डमी टेक्स्ट ओपन करके रखिए वेबसाइट, वहीं से आप लोग कॉपी पेस्ट करके इसको लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा मैं, देख लेता हूँ कोई मतलब रिस्पॉन्सिव में कोई दिक्कत तो नहीं है। इंस्पेक्ट किया मैंने, यहाँ पे देखिए सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है दोस्तों। आप चाहें हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चेक कर लिया। आप लोग भी अपने में देखिए, अगर रिस्पॉन्सिव में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताइए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा और गूगल मीट अरेंज करके वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। समझने में अगर आप लोग को जरा सा भी कहीं पर भी दिक्कत हुआ है तो आप हमें ईमेल जरूर करेंगे दोस्तों, ईमेल के जरिए मैं खुद आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा और गूगल मीट अरेंज करके मैं खुद आपको समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो जी मैंने जो जो वर्क आप लोगों को मैंने दिया है यहाँ पे, वो आपको जरूर करना है दोस्तों, ताकि आप लोग की कोडिंग स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। देखिए हमने आगे बहुत बार इस सब की चीजों को कलर किया है, इन सब का फॉन्ट फैमिली वगैरह, इसीलिए मैं आपको टास्क के रूप में दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी कुछ करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।